सावन का महीना है। भोले एल्बम को सुंदरा कटारिया ने लॉन्च करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। दिल्ली के शाहदरा शास्त्री पार्क अंसारी रोड पर बने सिद्धि बाबा श्यामगिरी सवाई मंदिर में एक भजन को लॉन्च किया गया। ये भजन भगवान भोले बाबा के कांवरियों पर बनाया गया, जिसे सुंदर कटारिया ने अपने मधुर आवाज से गाया है, जिसे सुनकर मंदिर में आए सभी भक्त प्रसन्न हो गए व इस भजन ने सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि ये भजन सुंदरा कटारिया ने खुद ही लिखा है व खुद ही गाया है। सावन के महीने पर सभी कांवरियों के लिए ये भजन एक अनमोल तोहफा है। साथ ही मंदिर के गुरु जी ने भी सुंदर कटारिया के भजन को सुना और उनको आशीर्वाद दिया। संजय डेडा उस्मान प्रिया हरियाणवी रागिणियों का सिंगर हूँ। काफ़ी अवार्ड है मेरे पास में। सुंदरा कटारिया जी ने और इतना बढ़िया गाना, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन इस गाने को इन्होंने मेरे पास में पोस्ट किया था तो इसके 623 व्यू थे। अगले दिन मैंने सुबह उठ के देखा तो वो 12,000 व्यू को क्रॉस कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गाना आने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान धूम मचा देगा ईस्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये मुझे कन्फर्म, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ इस बात को कि हरिद्वार के अंदर कम से कम नहीं तो 75% ये गाना हर कांवड़ के अंदर बजेगा, इतनी मुझे उम्मीद है इस गाने। पार्स भड़ाना है, मैं घोंडा क्षेत्र में रहता हूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ की कृपा बाप की सब पर होती है। जो यहाँ से आता है पूजा करता है उसकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। यहाँ गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाए जाते हैं, यहाँ के भी बनाए जाते हैं और जो गाने बाहर के होते हैं वो भी यहाँ चलते हैं। कावड़ लेने जाते हैं लोग तो वहाँ के भी यहाँ पर आते हैं, सीधे यहीं जल चढ़ाते हैं। आज यहाँ पे गाने की नई लॉन्चिंग हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या सा लगा आपको वो भजन, उसके बारे में बताइए। गाना तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी सुन के, ऐसे गाने वैसे आते रहते हैं पर अच्छा था गाना। हम संदीप रोड़ा है और मैं फैशन फोटोग्राफी करता हूँ। काफ़ी टाइम से शौक़ था इनको लिखने का, तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया तो इसे हमने पिक्चराइज करके वीडियो के रूप में आप लोगों के सामने पेश किया और अब हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखकर लाइक करके हौसला बढ़ाएं और ग्रेजुअली और भी बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं और आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और आई विश हिम ऑल द बेस्ट।